दोस्तों, मैं हूँ काजल। आपको ये पता होगा, 3 दिन पहले एक नोटिस जो है जारी किया गया था, ओ लेवल जो है जनवरी को लेकर, जो जनवरी के फॉर्म भरे जाने थे उसे लेकर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जनवरी की जो है फॉर्म की जो है लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसमें ओ लेवल का जो रिजल्ट है उसके लिए एक नई अपडेट आई है? आपको पता हो या ना हो, मेरा तो फर्ज बनता है आपको बताना, ठीक है? आई होप आपको पता ही ना होगा, जहाँ तक मुझे है आपको नहीं पता होगा कि न्यू अपडेट जो है क्या निकल के आई है ओ लेवल के जुलाई वालों के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, ओ लेवल जुलाई वाले जो अपने रिजल्ट का जो है इतनी बेसब्री से जो है वेट कर रहे हैं, उनके लिए ही मैं बता देती हूँ गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार जो रिजल्ट जो आने वाला है वो आपका पॉजिटिव आने वाला है। क्यों आने वाला है, उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि आपका जो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, जिसमें सबसे हार्ड जो आपकी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज होती है, जिसका पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर में मोस्टली स्टूडेंट जो है फेल होते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, कितनों ने तुक्का लगाया होगा, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेब डिज़ाइन तो खैर हार्ड थे ही नहीं, इसमें तो मोस्टली स्टूडेंट पास हो जाते थे, सबसे ज़्यादा इसमें ही लुढ़कते थे। तो अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख दिए गए। तो इसमें जो है, जैसे कि आपको पता है, आपका ओ लेवल जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें थ्योरिकल में 4 सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल का 4 और प्रोजेक्ट का 1। थ्योरिकल आपका 2 घंटे का हुआ था, 100 नंबर का। प्रैक्टिकल 3 घंटे का हुआ था, जिसमें 80 नंबर का, और वाइवा था आपका 20 का, तो ये भी 100 नंबर का हुआ था, ठीक है? तो अब जो है, अगर मैं इसको दिखाऊँ, जैसे कि आपको पता है, इसमें साफ साफ कहा गया था आपके ओ लेवल के जो है जुलाई वालों के रिजल्ट को लेकर कि आपका जो ये रिजल्ट है ये जो है लास्ट में निकलेगा, यानी कि नवंबर के आपका जो ये फर्स्ट वीक होगा इसमें जो है आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है? तो इसमें ये जो है कहा गया था, और इन्होंने ये भी कहा गया था, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी जो है डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है। तो इन्होंने लिखा था कि 15 नवंबर जो है एक एक्सटेंड डेट है जो रहने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप बैठे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ये रिज़ल्ट है ओ लेवल का, ये जो है ये एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है, लेकिन इससे पहले जो है आपका रिज़ल्ट जो है आउट हो लेगा। जी हाँ, ये मान लीजिए 7 नवंबर तक आपका ये रिज़ल्ट आ लेगा, 7 नवंबर तक। तो बस एक हफ्ता ठहर जाइए, आपका रिज़ल्ट आने वाला है गाइस। और अगर आप ओ लेवल के सर्टिफिकेट जो है जानना चाह रहे हैं, क्योंकि RO में ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहना, प्रिपेयर रहना। अब RO की जो है वैकेंसी निकलेंगी, तो उसमें जो है अपना सर्टिफिकेट लगा देना, और सर्टिफिकेट पे मैंने अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट जो है कैसे पाएं, ठीक है ना गाइस? तो वीडियो आपको भी चैनल पे मिल जाएगी। अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, UPSC की, UPSSC की, बैंक एग्ज़ाम की, तो आपको सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पर जो है अवेलेबल मिल जाएंगी, आप जो है उन्हें देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अभी के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।